जो बात विपक्ष उस समय कह रहा था, मैं मीडिया के साथियों को भी बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उसमें उन्होंने सहयोग किया। और खासकर जो महिलाएं रिपोर्टर थी, वो लड़ती नहीं पुलिस से, और उसी की वजह से आज देखो कम से कम उस परिवार को न्याय मिला है। सरकार झूठी साबित हुई है, सरकार उस दिन भी झूठी थी, आज भी झूठी है सरकार। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और समाजवादी पार्टी सरकार कैसे बने उस दिशा में काम कर रही है। और हमें खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे मानती है, वो भी आज समाजवादी पार्टी के विजन के रास्ते पे ही चल रही है। तो ना हमें अपने काम पर कोई शक है, ना हमें अपने संगठन पे, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है कि जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन चलाया है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इतने दिन आंदोलन चला लेती। आज भी किसान घेरा के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों गांव में जा रहे हैं लगातार। आप पूरे देश में देखिए, किसी पार्टी के नेताओं के ऊपर इतने मुकदमे लगे हों, वो भी झूठे। हम और रामू बालिया जी घर से अकेले जा रहे हो, बताओ क्या केस लगाया और कितनी पुलिस लगाई हुई थी। हमारे कार्यकर्ता बताओ पार्टी कार्यालय के सामने मारा, लाठी मारी सर पे, कौन नहीं जानते अमीन खान को लाठी मारी, या वीडियो में देखो कैसे लाठी मारी पुलिस ने। ये पूरे निर्देश से सरकार के कि इनके सर तोड़ दो। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार का मुखिया ऐसा हो कि ठोक दो कि सर तोड़ दो, क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में। इसलिए जनता ने मन बना लिया है, बदलाव होगा और बदलाव ऐतिहासिक होगा, इसलिए सब कुछ चालें चली जाएंगी चुनाव से पहले। तुम्हें नौकरी दोबारा मिल गई मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी और हम सब लोगों को इतनी खुशी इस बात की, गर्व है कि समाजवादी विजन पे ये सरकार चल रही है। बताइए आप, पूर्वांचल एक्सप्रेस किसका है? इस मेट्रो पे फोटो जरूर लगा ली, लेकिन फोटो वहीं तक लगी है जहां तक समाजवादियों ने बनाई। आप सोचो कभी कि क्यों नहीं बना पा रहे आगे। अरे अपने घर में नहीं बना पा रहे, दूसरे जिलों का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं आप। आप याद कीजिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम गोरखपुर में मेट्रो देंगे। अब गोरखपुर वाले अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि मेट्रो कब मिलेगी। वो आगरा का शिलान्यास कर रहे हैं और जगह का शिलान्यास कर रहे हैं, गोरखपुर में कब मेट्रो आएगी। अगर उनका खुद का विजन होता तो शायद गोरखपुर में आती, क्योंकि ये विजन समाजवादी सरकार का था, इसलिए आगरा में मेट्रो आई, इसलिए कानपुर में मेट्रो आई, बनारस की मेट्रो को शुरू नहीं कर रहे लोग। इसलिए साइकिल ट्रैक आज भी काम आ रहा है। और मैं वेस्ट बंगाल के लिए ही कहना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल की जनता से यही कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह नफरत से राजनीति करती है, लोगों को डरा के धमका के पार्टी में शामिल करती है। ये उनका मॉडल है, बड़े नेता को तोड़ लेना, बड़े नेता से झगड़ा करा देना पार्टी में, ईडी सीबीआई इन सबका सहारा लेना, ये उनका मॉडल है काम करने का। यूपी के दिन याद कीजिए आप, किन किन नेता को तोड़ा था उन्होंने, क्या क्या साजिश बनाई थी, क्या वही लोग साजिश में आज फिर नहीं शामिल है क्या। तो ये वेस्ट बंगाल में जो साजिश हो रही है यूपी में देख चुके हैं, लेकिन हम बंगाल की जनता से ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं, कम से कम वहां से संदेश ये जाए कि नफरत की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती।